मुंबई के इस्कॉन मंदिर के गेस्ट हाउस में ठहरी एक अमेरिकी महिला ने बलात्कार की कोशिश की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 13 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है, साथ ही इस्कॉन मंदिर के सीसीटीवी कैमरे को भी अपने कब्जे में ले लिया है। मुंबई के जुहू इलाके का इस्कॉन मंदिर बीते शनिवार की बात है। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे कि अचानक पूरे मंदिर में सनसनी फैल गई। मंदिर के गेस्ट हाउस के रूम नंबर 401 में ठहरी अमेरिकी महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी कि कुछ देर पहले उसके साथ बलात्कार की कोशिश की गई। महिला के मुताबिक रात के करीब 2 बजे किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उस महिला ने दरवाजा खोला, एक शख्स जबरदस्ती अंदर घुसाया और उसने उसके साथ रेप की कोशिश की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कमरे में लगा अलार्म बेल बजा दिया। बेल सुनते ही लोग वहां पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। महिला के मुताबिक उस वारदात के बाद वो बेहद डर गई। हालांकि इसका जिक्र उसने अपने कुछ दोस्तों से कर दिया। दोस्तों के समझाने के बाद मंगलवार को अमेरिकी महिला ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। उन्होंने जो कंप्लेंट दिया है मोलेस्टेशन का, क्रिमिनल ट्रेसपास, मोलेस्टेशन और अटेम्प्ट टू रेप, ऐसा तकरार दी थी। वो तकरार की हमने तहकीकात की है और उस हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस ने पीड़ित महिला की मेडिकल जांच करा ली है और रिपोर्ट के मुताबिक महिला के साथ बलात्कार की कोशिश की पुष्टि हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अभी तक एक अभिनेता समेत 13 लोगों से पूछताछ की गई है। उधर इस पूरे मामले पर इस्कॉन का कहना है कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। मैं मेरी तरफ से जो भी चाहिए डिटेल्स हमारे सबके स्टेटमेंट्स ले जा चुके हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ लोग जो है, इस्कॉन एक रिलीजियस संस्था है, ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, तो एक फेमस सिटी के पीछे भी रहते हैं। फेमस सिटी गेन करना चाहते हैं, ये भी एक हो सकता है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक वो अमेरिकी महिला पिछले एक महीने से अपने किसी काम से हिंदुस्तान में है और इस वक्त वो बॉलीवुड पर रिसर्च कर रही थी। इन दिनों वो इस्कॉन मंदिर के गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। खैर, पुलिस तफ्तीश में जुटी है और सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को अपने कब्जे में ले लिया है। वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच में जुटी है कि शायद वहीं से कोई सुराग मिल जाए। भगवान घर यानी मंदिर परिसर के अंदर बलात्कार के प्रयास जैसी घटना ने एक बार फिर विदेशी सैलानियों और महिलाओं की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल तब और भी गंभीर हो जाता है जब कानून से बेखौफ हो चुके लोग ऐसे घिनौने कृत्य करने से पहले अब भगवान से भी नहीं डरते। दिनेश नागर और अशोक राज के साथ, मुंबई 7।